गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम, क्लास 11, सब्जेक्ट म्यूजिक, लेसन नंबर 1, संगीत, टॉपिक अलंकार। जानेंगे आज अलंकार के बारे में। उससे पहले जानते हैं संगीत किसे कहते हैं। साधारण भाषा में गायन को संगीत कहा जाता है, परंतु वास्तव में गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। आइए जानेंगे अलंकार किसे कहते हैं। स्वरों की नियमबद्ध रचना को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण, गहना अथवा सजाना। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकारों द्वारा गाने की शोभा बढ़ जाती है। जैसे एक पेड़ बिना फल फूल पत्तियों के अधूरा रहता है, इसी प्रकार संगीत भी बिना अलंकार के अधूरा है। अलंकार को पलका भी कहा जाता है। संगीत के नए विद्यार्थियों को सबसे पहले अलंकार सिखाए जाते हैं, ताकि उन्हें स्वर का ज्ञान भलीभांति हो सके। अलंकार से कंठ मधुर हो जाता है। अभिनव मंजरी ग्रंथ के अनुसार शशिना रहिते निशा विजलेव नदी लता विपुष्पेव अभिभूषिते कांता गीति लंकार हीना स्याद। अर्थात चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना लता और आभूषण के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार अलंकार के बिना गीत शोभा प्राप्त नहीं होते। अलंकार की दो कड़ियां होती है, आरोह अवरोह। आरोह स्वर के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। जैसे सारे और अवरोह स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। जैसे अलंकारों को चार वर्गों में बांटा गया है, सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार और जटिल अलंकार, मेरुखंड अलंकार। ये आप लोगों के सिलेबस में पहली बार जुड़ा है मेरुखंड अलंकार। स्टे होम स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.